नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक CS एलएलई हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आपको पता होगा कि आयुष्मान भारत योजना का नया पोर्टल लॉन्च हो गया है, जिसमें आपको लॉगिन करने के लिए अपने आईडी को मैप कराना ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि PMJY यानी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में आईडी को कैसे मैप कराया जाएगा, नए पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए अपने आईडी को मैप कैसे किया जाएगा, कैसे आईडी को एक्टिव किया जाएगा, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से CSE के पल पल की खबर मिलती रहती है। जो भी सरकारी योजना होता है, उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि PMJY यानी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में लॉगिन करने के लिए आईडी को कैसे मैप कराया जाएगा और कैसे एक्टिव कराया जाएगा। दोस्तों, इसके लिए आप आ जाएंगे एक ऑफिशियल साइट setu.pmjy.gov.in। इस ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। यह नया पोर्टल का साइट है setu.pmjy.gov.in। जब यहाँ आइएगा तो आपको सामने ऐसा इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ शो होगा, आप देखेंगे, यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ रजिस्टर का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ रजिस्टर का ऑप्शन है, यहाँ डू KYC का भी ऑप्शन है और यहाँ डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। तो यदि आप रजिस्टर करते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं, तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा और यहाँ से आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। यहाँ क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और यहाँ जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ आप देखेंगे आपको CSE कनेक्ट का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर CSE कनेक्ट का ऑप्शन देगा। जब यहाँ क्लिक करेंगे, CSE कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको CSE आईडी और पासवर्ड डाल करके साइन इन बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पुनः यही इंटरफेस आ जाएगा जहाँ से आप गए थे। यहाँ CSE कनेक्ट का ऑप्शन था, क्लिक किए थे और आप CSE आईडी पासवर्ड डाल के क्लिक किए तो पुनः यहीं पर आ गया। इसका अर्थ है कि आईडी आपका जो है मैप नहीं किया गया है, आपका आईडी अभी एक्टिव नहीं है। तो आपको पहले आईडी एक्टिव कराना होगा। जब आईडी एक्टिव हो जाएगा तब क्या होगा, ये लॉगिन हो जाएगा। तो एक्टिव कराने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने CSE के जो डिस्ट्रिक्ट टीम है उनसे संपर्क करना होगा, या आपके जो भी मैनेजर हैं, DM हैं, उनसे आपको संपर्क करना होगा और उनको बताना होगा कि हमें अपने आईडी को मैप कराना है, एक्टिव कराना है, हमें आप जो गूगल फॉर्म का लिंक है उसे दीजिए। जब ये गूगल फॉर्म का लिंक आपको दे देंगे, आपको मिल जाएगा, तो आप क्या करेंगे, उस पर आपको डिटेल्स जानकारी, ऐसे जब गूगल फॉर्म का आप खोलेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ देख सकते हैं दिया गया है व्हाइट लिस्टिंग ऑफ CSE आईडी अंडर PMJY BIS 2.0। तो ऐसा इंटरफेस आपको खुलेगा। इसमें आपको सिंपल सा अपना CSE आईडी डालना होगा, आपका नाम डालना होगा, एड्रेस डालना होगा, सब कुछ यहाँ डाल करके आप क्या करेंगे, सिंपल सा आप यहाँ पर सब कुछ स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट पूरा अच्छा से एड्रेस भर लेंगे। भर करके यहाँ नीचे देखेंगे सबमिट का ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ आपको सबमिट कर देना होगा। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका आईडी जो है मैप हो जाएगा, मैप वहाँ से करा दिया जाएगा, आपका आईडी एक्टिव हो जाएगा। जब एक्टिव हो जाएगा तो आप यहाँ CSE कनेक्ट पर क्लिक करेंगे और आप कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, मैं बता दूँ कि अगर आपका आईडी लॉगिन नहीं हो रहा है, अगर एक्टिव नहीं है, मैप नहीं है, तो आपको अपने DM से संपर्क करना होगा, आपको अपने SC टीम से ज़रूर बात करनी होगी। बात करेंगे तो वही आपको क्या करेंगे, गूगल फॉर्म का लिंक देंगे, जिसको भर करके आप सबमिट करेंगे तो आपकी आईडी को मैप किया जाएगा, एक्टिव किया जाएगा। इसके बाद आप लॉगिन करेंगे, यहाँ आएंगे CSE कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और आप यहाँ से आप आयुष्मान भारत योजना का जो भी वर्क है उसे आसानी से आप कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आईडी एक्टिव हो जाए, मैप हो जाए, तो आप जरूर संपर्क करें और इसके बारे में बात करें। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भेल साथियों।